हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन ड्रीमर एंड हियर इज योर फ्रेंड परेश। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्पाइसजेट की एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, जो बेसिकली टिकटिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। तो आप लोग अगर स्पाइसजेट की टिकटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या रिजर्वेशन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, सर 12th पास की कुछ वैकेंसीज लाइए। तो ये जो वैकेंसी है, वैकेंसीज में 12th पास की कोई भी बॉयज एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। एंड ये जो वैकेंसी, ये बेसिकली एक वॉक इन इंटरव्यू है, आप लोगों को कोई ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई जरूरी नहीं है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो स्पाइसजेट की रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए या टिकटिंग ऑफिसर के लिए, तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी एविएशन की जॉब की नोटिफिकेशन आपके पास पहले मिले। और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेरीज है रिलेटेड टू एविएशन जॉब्स, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू माय फेसबुक पेज एंड वहां पे मुझे डायरेक्टली आप लोग मैसेज कर सकते हो। फेसबुक की पेज की लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। सो हम लोग डायरेक्टली वीडियो में चले जाते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज आप लोग को पता होना चाहिए स्पाइसजेट की टिकटिंग ऑफिसर की इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। सो एज ए स्पाइसजेट ऑफिसर, पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्पाइसजेट की टिकटिंग ऑफिसर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं एंड ये जो जॉब है, ये जॉब एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जॉब रोल क्या होगा आपके। तो स्पाइसजेट की जो रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव की अभी वैकेंसी चल रही है, वैकेंसी के बारे में अगर हम लोगों को बात करें, तो एयरपोर्ट में हम लोग जो टिकटिंग की जॉब हम लोग देखते हैं नॉर्मली, इसी टाइप की जॉब फंक्शंस है इन लोगों का। लेकिन ये जो अभी वैकेंसी चल रही है, ये लोग एयरपोर्ट के अंदर इन लोगों की शिफ्ट नहीं होगा, इन लोगों की जॉब रोल रहेगा एयरपोर्ट के अंदर, मतलब स्पाइसजेट की जो हेड ऑफिस है वहां पे इन लोगों की जॉब होगा एंड वहां पे इन लोगों को कस्टमर्स की या पैसेंजर्स की कॉल्स को हैंडल करना है। मे बी पैसेंजर्स आपको कॉल कर सकते हैं कोई भी बुकिंग बनाने के लिए, कोई भी बुकिंग को कैंसिल करने के लिए या कोई भी बुकिंग का रेसिड्यूल करने के लिए, मे बी उनके रिफंड की रिलेटेड कुछ कॉल आपको कॉल कर सकते हैं। तो इसी कारण आपको कॉल कर सकते हैं पैसेंजर्स एंड यही सारे प्रॉब्लम्स के रिलेटेड आपको हेल्प करना है पैसेंजर्स को, ठीक है। तो यही एक रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जॉब रोल होते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सो फ्रेंड्स, कोई भी मेल फीमेल या रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो जॉब चल रहा है स्पाइसजेट में, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप अगर 12th की एग्जाम कंप्लीट कर चुके हो तो ये जॉब के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मे बी आप ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एज की क्राइटेरिया की बात करें तो 18-27 ईयर्स के अंदर कोई भी मेल फीमेल ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्पाइसजेट की रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो एंड आपके पास कोई बीपीओ की एक्सपीरियंस है, तो आप उससे ज्यादा की आपके एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाय फोन आपके कस्टमर से या पैसेंजर से बात होगा, तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे इंटरव्यू में इतना टफ क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप लोग जस्ट इंटरव्यू में जाओगे, आपके वर्बल, आपके कम्युनिकेशन, आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये सारे चीज आपको देखा जाता है एंड उसके बाद आपकी सिलेक्शन होता है। तो नॉर्मली आप लोगों का यहाँ पे इतना ज्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होगा। कोई भी फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स अभी भी एविएशन की जॉब के लिए वेट कर रहे हो, आप लोग ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लोगों को अच्छे सैलरी मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो तो नियर अबाउट आपको 15,000 के अंदर आपकी सैलरी मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक अच्छा खासा आपको इंसेंटिव मिलता है जो आपको एयरपोर्ट की जॉब में नहीं मिलेगा। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज आपको मिलेगा, बट यू शुड रेडी टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। दिन में कभी भी आपको जॉब करना पड़ सकता है, मे बी नाइट शिफ्ट में जॉब करना पड़ सकता है, मे बी आपको यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में जॉब करना पड़ सकता है। एंड यहाँ पे जो वीकेंड रहेगा, वीकेंड की कोई फिक्स वीकेंड आपके नहीं रहेगा, तो ये सारे चीज के लिए आपको रेडी रहना चाहिए।
क्योंकि ये जो जॉब है ये कुछ रिलेट करते हैं बीपीओ जॉब के साथ, तो आप अगर बीपीओ एक्सपीरियंस्ड हो या आप रेडी हो बीपीओ टाइप की कुछ एनवायरमेंट में जॉब करने के लिए, तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। सो यहाँ पे ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताया, ये सारे इंफॉर्मेशन मैं खुद वेरीफाई किया, क्योंकि स्पाइसजेट अपना ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे आप लोगों को ये जॉब की कोई नोटिफिकेशन या कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा। आप लोग अगर naukri.com पे जाओगे एंड वहां पे जाके आप लोग अगर रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल के सर्च करोगे, देन आप लोगों को स्पाइसजेट की ये वैकेंसीज की डिटेल्स मिलेगा। मैं इसको वेरीफाई किया, स्पाइसजेट खुद ये जो वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट naukri.com पे डाला है, तो वहां पे जाके भी आप लोग खुद चेक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इंटरव्यू की लोकेशन, डेट एंड टाइमिंग के बारे में डिटेल्स मैं बता दिया, तो आप लोग वहां से देख लेना एंड उसके बाद आप इंटरव्यू में के लिए चले जाना। इंटरव्यू 19th ऑफ अप्रैल में इंटरव्यू है, मतलब मंडे पे है और एक दिन आपके पास है, तो अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए एंड उसके बाद आप इंटरव्यू के अटेंड कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा एंड आप लोगों को स्पाइसजेट की रिजर्वेशन ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करने में आपको हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू बिकम ए एविएशन स्टाफ। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।